भोपाल की उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ अकील को निशाने पर लेते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है, चारों तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है। आरिफ अकील ने चुनाव को हमेशा सांप्रदायिक बनाया है। कांग्रेस के गढ़ में विजय पताका फहराने के लिए भाजपा ने आलोक शर्मा को भोपाल की उत्तर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। आलोक शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद आलोक शर्मा ने कहा कि यहां कंचे खेलकर साइकिल चलाकर बड़ा हुआ हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं, इसलिए जनता मेरा साथ दे। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ अकील पर हमला बोलते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि उत्तर विधानसभा में चारों तरफ अतिक्रमण है, आरिफ अकील ने विकास का कोई काम यहां पर नहीं किया है। कांग्रेस विधायक ने हमेशा चुनाव को बहुसंख्यक विरुद्ध अल्पसंख्यक बनाया है। आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आरिफ अकील उत्तर विधानसभा से 6 बार के विधायक हैं और इस बार कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को उत्तर विधानसभा से टिकट दिया है। मैं जनता से वोट मांगूंगा, जनता का लाड़ प्यार दुलार इसने आशीर्वाद मुझे मिलेगा और निश्चित रूप से इस बार हम कांग्रेस के किले को ढाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे लंबे समय तक कोई विकास के काम नहीं किए हैं, पूरा पुराना भोपाल बदहाली का शिकार है, चारों तरफ अतिक्रमण है, चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई ट्रैफिक की एक प्रॉब्लम रहती है, चारों तरफ समस्याएं समस्या है। पुराने भोपाल की जनता के बीच में जाऊंगा क्योंकि मेरा जन्म पुराने भोपाल में ही हुआ है, पुराने भोपाल की ही गलियों में कंचे खेलकर पतंग उड़ाकर साइकिल चलाकर मैं बड़ा हुआ हूं। पुराने भोपाल की जनता मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानती है, मेरा पार्षद का कार्यकाल भी देखा है, मेरा महापौर का कार्यकाल भी देखा है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।